हेलो डियर स्टूडेंट्स, सम कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स। बेटा आप लोगों को सारी चीज़ें आती हैं, है ना। कैलकुलेशन में हम कई बार ही काम करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं, तो देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए मैथ्स में। तो एडिशन से शुरू करते हैं। 19 प्लस 11, आपने 19 प्लस 11 लिखा, लेकिन 9 प्लस 1 10 यहाँ का यहाँ लिख दिया जल्दी जल्दी में, और 1 प्लस 1 2 यहाँ लिख दिया, जबकि 1 कहाँ जाना चाहिए था बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आपको कैरी करना था। ऐसे 59 प्लस 3 लिखा, 3 को आपने 9 के नीचे ना लिख के 5 के नीचे लिख दिया, मतलब प्लेस वैल्यू का ध्यान नहीं रखा। 100 प्लस 6 प्लस 25, ऐसे ही आपने उल्टा सीधा 100 लिखा, 6 लिखा, 25 लिखा और आंसर निकाल दिया। बेटा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट रूल है कि हमें, देखिए एक तो कैरी में आपको पता ही है कि ध्यान रखना है, इट इज़ 9 प्लस 1 10 एंड नाउ इट इज़ 3 1। नाउ 59 प्लस 3, यूनिट डिजिट के नीचे डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए बेटा। 9 प्लस 3 12, 1 कैरी किया 6 आ गया, इट इज 100। 6 यूनिट प्लेस के नीचे ही आएगा, 25 में 2 टेंस डिजिट और 5 यूनिट डिजिट, अब आपके पास बन गया 131। हमेशा जितनी भी कैलकुलेशन है यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट आनी चाहिए, टेंस के नीचे 10। नेक्स्ट है a इंटू 0, 0 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर 0 से भाग करें तो भी 0 आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं कर सकते, हम इसे बता ही नहीं सकते बेटा कि ये क्या टर्म है, ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 5/2, 5/2 में अंश ये है हर ये है, आपको पता है हमेशा अंश को हर से भाग करना है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे वाले से भाग होगा, तो इसे देख लीजिए, 5 को 2 से आपने भाग किया, 2 पे गया 1, अब आगे डेसिमल लगाएंगे इधर भी और इधर भी, फिर डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, अब देखिए ये 5 पे पूरा चला गया, है ना, तो ये आपका आंसर बन गया 2.5। अब नेक्स्ट में है 2/5, अब यहाँ पे अंश क्या है 2, तो अब 2 को हमने 5 से डिवाइड करना है, देखिए छोटा नंबर है, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे भी आंसर में भी, उसके बाद हम जीरो लिखेंगे। अब 5 का टेबल 20 तक आपको पता है सीधा 4 पे चला गया, ख़त्म हो गई हमारी भाग, आंसर बना 0.4। 0 इस तरफ है तो हम 0 लगा सकते हैं और ये बन गया 0.4। अब आप देखिए ये मिला हमें 40 पैसे और ये मिला आपको 2 रुपये 50 पैसे, एक तरीके से तो इक्वल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, तो इसलिए ध्यान रखना है चाहे अंश छोटा है चाहे बड़ा है, अंश को ही आपने हर से भाग करना है। नेक्स्ट देखिए हम इसके प्लस माइनस करेंगे परिमेय संख्याओं की। पहला केस है हर समान है, आप क्या गलती करते हैं, ऊपर की ऊपर जमा नीचे की नीचे जमा, दैट मीन्स आप कर देंगे इसे 10/10, है ना, जबकि ऐसा नहीं करना है बेटा, अगर हर समान है तो नीचे तो आप 5 ही लिखेंगे और ऊपर की टर्म्स को अगर प्लस या माइनस जो भी हो रही है उसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ प्लस हो रही है तो ये बन गया 10/5, जिसे हम काट सकते हैं 5 के टेबल से, आंसर मिल गया 2, तो ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट केस है जबकि हर, देखिए समान नहीं है, एक में 6 है एक में 7 है, इस केस में भी आप क्या गलती करते हैं, ऊपर की ऊपर जमा कर दिया आपने, आपने लिख दिया इसको 9 और नीचे लिख दिया 13, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए नीचे को नीचे से गुणा किया 6 × 7, और यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 को 7 से, फिर बीच में जमा या घटा जो भी है आपका, और 4 को किससे करेंगे 6 से, क्या मिल गया हमें 35 + 24/42, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 59/42। अब अगर हमारे को यहाँ ऐसी टर्म मिलती है जो कट सकती है आपस में तो हम काट देंगे, लेकिन ये देखिए अभाज्य संख्या कटेगी नहीं। नेक्स्ट है 5100/30, तो बेटा कॉर्नर की अगर 0 आ रही हो तो हम उन्हें काट सकते हैं, यानी कि ये 0 से, एक 0 से ऊपर की 0 कट गई, अब आपके पास रह गया 510/3, तो 3 की टेबल की क्या पहचान होती है, नंबर्स को हम जोड़ के देख लेते हैं, तो 5 और 1 6, यानी कि 3 से जा सकता है, तो जब आपने 3 से भाग किया आपको मिला 170।
नेक्स्ट देखिए 435 बटा 15। अब आप कहेंगे कि कोने पे 5 है तो हम काट दें, बिल्कुल भी नहीं। जब भी भाग करते हैं सिर्फ 0 अगर कॉर्नर्स पे हैं ऊपर और नीचे तब आप काट सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं काट सकते बेटा। अब हमें यहाँ पे काटना पड़ेगा यानी कि भाग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको 5 से भाग करते हैं, ऊपर और नीचे हमेशा एक ही संख्या से आपको भाग करना है। अब देखिए नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 87, 87 को प्लस किया 15, यानी कि 3 से भाग हो जाएगा। फिर से हम काटते हैं इसे, ये आ गया 29। तो फाइनल आंसर मिला मुझे यहाँ पे 29। नेक्स्ट देखिए जीरोस की जब गुणा हो रही है, कॉर्नर पे जीरो है, कॉर्नर के जीरो हम बड़े एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से और नंबर को 4 को 2 से गुणा कर दिया 800। ऐसे यहाँ पे देखिए 57 इंटू 6000, तो 53 कॉर्नर पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी हमारे पास। और यहाँ हम 57 को 6 से गुणा कर देंगे, 342 और साथ में 3 जीरो हमारा आंसर बन गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जब अभी हमने सीखा था प्लस माइनस करना है ना बटे की रकम को, अब गुणा, गुणा में हम करते हैं बेटा ऐसे ऊपर की ऊपर से गुणा, नीचे की नीचे से गुणा, और साथ ही अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो हम उसे काट देते हैं एक ही नंबर से। अब देखिए जैसे यहाँ 3 एकम 3, 3 5 15 कट गया ना, ऐसे यहाँ पे देखिए 6 के टेबल से कट रहे हैं 18 और 12, 6 2 12। अब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर की ऊपर से गुणा कर देंगे 3 को 1 से, 5 को 2 से, तो हमें क्या मिल गया 3/10। नेक्स्ट है बेटा जब दो टर्म्स भाग हो रही हो तो भाग को हम गुणा में बदलते हैं, पहले 3/15 गुणा का निशान लगाएंगे और ये सेकंड टर्म उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए जैसे गुणा में करते हैं, 3 से ये 15 कट गया, 5 में ये 2 6 के टेबल से कट गया, हमारे को मिल गया 2/15। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 3 जमा 7/20। आप क्या करेंगे इसको, आप इसको फिर से वही 3 और 7 को जमा कर देंगे, 10/20 आंसर कर देंगे या कुछ भी और नया तरीका बेटा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 और 1 का कितना आता है, 20 ही आएगा। अब देखिए 20 को 3 से गुणा कर दिया 60, और ऐसे ही बताया था ना नीचे क्रॉस मर आपस में कर दो फिर ऐसे क्रॉस टेढ़ा, तो हमारे को मिल गया 7, आंसर बन गया 67/20। नेक्स्ट देखिए अब हम डेसिमल का सीखते हैं बेटा। डेसिमल में आप क्या गलती करते हैं, कुछ भी ये डेसिमल की टर्म है ये डेसिमल की नहीं है, लेकिन आपने कुछ नहीं सोचना होता, आप फटाफट लिखते हैं इसको ऐसे ही करके, है ना, और कुछ भी आंसर निकाल देते हैं। ऐसे यहाँ पे 35.67 है, प्लस में 532.4 है, आपने कुछ चेक नहीं किया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं या नहीं लगाएं और आंसर आपका गलत हो जाता है, जबकि रूल क्या है हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। और अगर बिना डेसिमल की टर्म है तो हम डेसिमल लगा के 00 लिख देते हैं उसके आगे, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा 3.245। और यहाँ पे 12 लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया और यहाँ 00 भर दिया जहाँ पे कुछ नहीं है ना। अब इसे प्लस कर लीजिए या माइनस का कहता है तो माइनस कर देते। अब नेक्स्ट है 35.67, प्लस हमें करना है 532, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 4, अब यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, दिस इज 7 0। अब जैसे एडिशन हम करते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। गुणा कैसे करते हैं आप डेसिमल में, देखिए सिंपल नंबर की नंबर से गुणा कर देंगे, 15 को 25 से गुणा कर दीजिए, कोने पे जीरो आ रही है, देखिए एक कोने पे जीरो ना, तो अभी हमने सीखा था कोने के जीरो हम ऐसे ही लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिला 375 जब आपने 15 को 25 से गुणा किया। अब हमें देखना है कि डेसिमल है ना तो डेसिमल आंसर में भी आएगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 और यहाँ पे 2, तो आंसर में आप कोने से 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 2 इधर के 1 इधर के, 3 जोड़ लोगे तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3.75 हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए अगर भाग करना हो
तो भाग करने में बेटा हमें डेसिमल हम हटा देते हैं, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं ऊपर एक, तो नीचे एक लिख के एक जीरो लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सात हमें मिल गया 7/10, जबकि 7/10 किसके बराबर है, नीचे अगर एक जीरो है तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक आएगा, नीचे दो जीरो है तो दशमलव के बाद दो डिजिट आपकी आएंगी। तो इस तरीके से आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, एक बारी आता सब कुछ है आपको, एक बार रिकॉल आपने कर लेना है। ऐसे ये देखिए 468/12 लिख दिया मैंने। अब देखिए जब इसका डेसिमल हटाया तो कितने अंक हैं इसके बाद में, दो, तो इसका मतलब नीचे 100 आएगा, है ना। और जब इसका यहाँ से डेसिमल हमने हटाया तो नीचे एक अंक है, तो ये नीचे है तो ऊपर चला गया इसका डेसिमल हटके, 10 यहाँ चला गया। अब कोने की जीरो से जीरो काट दिया, ये देखिए ये भी कट रहा है, इससे हमें मिलेगा 39/10 एंड दैट इज इक्वल टू 3.9, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से टर्म जमा हो रही हैं तो आप उनको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इस तरीके से टर्म लिखने का मतलब होता है बेटा कि इनके बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, और आगे जब कोई भी निशान नहीं होता तो हम जमा का मानते हैं। 3ab का मतलब ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं, जबकि यहाँ साफ साफ ये जमा हो रहे हैं, तो कभी भी इनको इक्वल मत कर देना। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल बेसिक रूल है हमारे, केवल समान पद ही आपस में जमा या घटा होते हैं, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। तो जैसे प्लस प्लस प्लस, आपको ये रूल पता ही, अपोजिट साइन होंगे तो माइनस होंगी टर्म्स, सेम साइन होंगे तो प्लस करते हैं, और आंसर में हमेशा बड़ी टर्म का साइन आता है। देखिए 2x+7, आप क्या गलती करते हैं इसे 9x के इक्वल, जबकि ये एक्स है बेटा, ये तो बिना एक्स की टर्म है। अब आप एक ही क्लास के बच्चों में दूसरी क्लास के बच्चे को बिठा लेंगे क्या, हमेशा नहीं बिठाते ना, तो अलग अलग बैठते हैं हर क्लास के बच्चे, तो ऐसे ही आपको इसे अलग अलग ही रखना है, ये इकट्ठा जुड़ नहीं जाएगा ना घटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाई है, ये एक्स है, है ना, कुछ भी आपको इसको जमा घटा सॉल्व नहीं कर सकते हम, ये अलग अलग फैमिली की टर्म्स हैं। ऐसे यहाँ पे 5x+y इसको मिला देंगे नहीं हम, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी छोटी सी और रेगुलर मिस्टेक्स हैं आप लोगों की। अब यहाँ देखिए पहले चेक करेंगे, सेम टर्म्स है, k है, ये भी k है, सॉल्व हो जाएंगी। अब अपोजिट साइन है, क्योंकि एक घटा की एक जमा की, तो आप घटा करोगे और बड़ी टर्म का साइन घटा 5k। यहाँ पे देखिए x की पावर टू इसके साथ आ रहा है ना, तो इसको पहले हम इकट्ठा कर लेंगे, x^2 -5x², जो टर्म्स एक जैसी लग रही हैं उन्हें पास पास लिख लिया। अब इसको देखिए, नेक्स्ट है +2x+3y, अब ये तो दोनों सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि एक जैसी फैमिली की हैं, और जमा और घटा हो रही है, तो घटा करा, घटा का बड़ी रकम का निशान, +2x+3y। अब देखिए पहली टर्म आपके पास बची x² की, फिर x की, फिर y की, कोई भी एक जैसे चर में नहीं बची है ना, वेरिएबल सबके अलग अलग हैं, तो ये आंसर हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 5y/y, आप क्या करते हैं y से y फटाफट काट देते हैं, जबकि ये गलत है बेटा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा आपका, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे है बेटा, आपने क्या किया 2 और 4 को काट दोगे आप, नहीं काट सकते, जबकि हम ऊपर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ऊपर क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, ये भी x सॉल्व हो जाएगी, क्या होगा हमारे पास -x/2, ये आंसर आएगा हमारा, इसे आपने कभी भी काटना नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ x^2 -2x, यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे, वैसे नहीं काटेंगे कि x से x काट दिया, ऐसा नहीं करना है, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने x को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x-2, और नीचे हमारे पास है 3x। अब इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है, जो कॉमन निकला तब कट गया, अब आंसर रह गया x-2/3। नेक्स्ट फिर से x² + x³,
दिस इज नॉट इक्वल टू x की पावर 5। ये कब हो जाएगी x की पावर 5? जब ये गुणा हो रही होती, टर्म्स आपस में गुणा हो रही होती, है ना। देखिए जैसे अब यहाँ कर रहे हैं, x की घात 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 7 भाग x की घात 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बेस सबकी सेम है तो गुणा करने में घातें जमा हो जाती हैं, तो गुणा वाली तो सब जमा कर दो, कि भाग करने में घटा हो जाती है, तो 5 को हम घटा कर देंगे, क्या बन गया x की घात 12 घटा 5 यानी कि x की घात 7 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है, हमेशा आप करते हैं घटा 2 का वर्ग आप खोलोगे ना घटा की संख्या का, तो आप हमेशा घटा का साइन उसमें लगा देते हैं, आप लिखते हैं घटा 4, जबकि ये क्या बनेगा, घटा 2 गुणा घटा 2, घटा घटा मिलके क्या बन जाते हैं, जमा, और ये बन गया 4 आंसर, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि घटा की रकम का आप कभी भी स्क्वायर करोगे, चाहे कोई सी भी रकम हो, हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा। नेक्स्ट x प्लस वाई होल स्क्वायर, आप हमेशा खोल के इसको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, है ना, क्योंकि बहुत आप जल्दी जल्दी में एक्साइटेड होते हैं तो कि हमें आता है क्वेश्चन बेटा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स इस तरीके से हो, एडिशन में या माइनस में उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो हम हमेशा होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगाते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे ही माइनस के लिए, कभी भी खोल के आपके पास दो टर्म्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट है, मान लीजिए इस ब्रैकेट के बाहर 2 से गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अंदर ले जाते हो 2x प्लस 2y होल स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है बेटा, गलत है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस होल स्क्वायर को खोलेंगे जो कि अभी हमने सीखा ही है, खोलने के बाद हमें तीन टर्म्स मिलती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसके बाहर जो 2 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हर रकम के साथ अंदर ले जाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस 4xy। तो बेटा ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि बहुत सारे नंबर हमारे सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से कट जाते हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।